ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, व्हाट डज ऑस्टियो मीन एंड व्हाट डज पोरोसिस मीन? जी सर, सर जैसा कि शब्द ही बता रहा है हमें सर कि ऑस्टियो मतलब हमारी हड्डियां सर, और पोरोसिस मतलब हमारी हड्डियां सर खोखली हो गई हैं सर या कमजोर हो गई हैं सर। तो इसमें हम ये देखें सर कि हमारी बोन्स, ये बीमारी कॉमनली हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं सामान्यतः उनमें देखा जाएगा, लेकिन कुछ बीमारियों में या कुछ और भी तरह की कंडीशंस होती है जिसमें कम उम्र के लोगों में भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इसके में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी हड्डियां समय के साथ साथ कमजोर होती हैं और खोखली होती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और कमजोर होने के बाद जो एक आगे रिस्क रहता है, जो सबसे बड़ा रिस्क रहता है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे चलते हुए, कि जब भी हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं या खोखली होती हैं तो उनमें आगे जाकर एक फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है, जिससे मरीज को तमाम तरह की परेशानियों के साथ गुजरना पड़ सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज वेयर द बोन्स बिकम वीक, एंड जैसा डॉक्टर वैभव ने कहा, इट अकर्स इन एल्डर पीपल मोर ऑफन एंड इन वुमेन, इज दैट राइट डॉक्टर वैभव? बट किसी में भी हो सकती है, किसी भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर जो मरीज हमें दिखेंगे या जो लोग हमें दिखेंगे जो इस परेशानी से ग्रसित हैं, इस परेशानी से गुजर रहे हैं, वो सामान्यतः 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग, अपने बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष कोई भी हो सकता है, कॉमनली सर उन्हीं में देखा जाएगा सर।